सत श्री अकाल, मैं हरजीत अपने चैनल हरजीत की रसोई में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे सूजी के दानेदार लड्डू, वो भी बिना चाशनी के। बनाने में ये बहुत ही आसान है, खाने में बहुत टेस्टी। तो फिर इनको बनाना शुरू करते हैं। लड्डू बनाने के लिए एक कढ़ाई ले लेंगे और इसमें डाल लेंगे 1/4 कप देसी घी। लड्डुओं को मैं देसी घी में ही बना रही हूँ कि देसी घी में ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। अब इसमें डाल देंगे सूजी 1.5 कप। तो सूजी आपने लेनी है बारीक वाली। अगर बारीक वाली सूजी नहीं है तो आप सूजी को मिक्सी में पीस कर ले लेना। गैस को बिल्कुल सिम रखना है और इसको अब सूजी को भूनना है। तो इसको भूनने में 7 से 8 मिनट लग जाएंगे। तो गैस को आप बिल्कुल भी तेज़ नहीं करना। अगर आप तेज़ गैस पर इसको भूनेंगे तो वो जल्दी से भून तो जाएगी और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और सूजी जल भी सकती है, फिर उसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। सूजी को हमने चलाते रहना है, बीच बीच में छोड़ना नहीं है। इसका हमने कलर चेंज नहीं होने देना है। सूजी को भूनते हुए अभी मुझे 7 मिनट हो गए हैं और खुशबू भी इसमें से बहुत अच्छी आनी शुरू हो गई है। तो कलर देखिए इसका अभी ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, हल्का सही हुआ है। तो अब इसमें हम मिला लेंगे 1/2 कप डेसिकेटेड कोकोनट, यानी नारियल का बुरादा। तो जो नारियल हमारे पास घर में होता है ब्राउन वाला, पानी वाला, उसी का बुरादा होता है ये डेसिकेटेड कोकोनट। तो अगर आपके पास घर में है तो आप उसको ग्रेट करके ले सकते हो। नारियल का बुरादा मिलाकर भी 2 मिनट तक हमने इनको भूनना है। गैस को आपने पूरा टाइम ही सिम रखना है, यानी बिल्कुल लो रखना है। इनको भूनते हुए भी 2 मिनट अब हो गए हैं। तो ये देखिए दोनों भून चुके हैं। टोटल में सूजी और इसको मिलाकर भूनने में 10 मिनट लगे हैं मुझे। अब इसमें मैं मिला रही हूँ 1/2 कप मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर जो है मार्केट में मिल जाता है आसानी से। इसकी जगह वैसे आप खोआ, जिसे मावा कहते हैं, उसको भी डाल सकते हो, पर आपने क्वांटिटी इतनी ही रखनी है, इससे ज़्यादा नहीं मिलाना है। अब तक देखिए मिल्क पाउडर भी भून गया है। अब इनका कलर भी हल्का सा चेंज होने लग गया है। अब इसमें मिला लेंगे 1 कप पाउडर शुगर। शुगर आप चाहे तो इससे ज़्यादा मिला सकते हो, पर इतनी शुगर इसमें बिल्कुल सही रहेगी, क्योंकि हमने जो मिल्क पाउडर का इसमें यूज़ किया है वो भी मीठा है। शुगर डालने के बाद आपने इसको लगातार चलाना है, क्योंकि ये नीचे लग सकते हैं। अब इसमें मैं मिला रही हूँ 1/2 टीस्पून हरी इलायची का पाउडर। हरी इलायची का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है। तो ये लड्डू बनाने में बहुत ही आसान है, एक ही बर्तन में सारी तैयारी हो जाती है, चाशनी भी अलग से बनाकर नहीं डालनी पड़ती है। तो अब इसमें हम मिला लेंगे ड्राई फ्रूट्स। तो ये मैंने लिए हैं काजू, पिस्ता, किशमिश और बादाम। तो जो ड्राई फ्रूट्स आपके पास हो आप इसमें मिला सकते हो, जो नहीं है उसे आप स्किप कर सकते हो, या फिर आप बिना ड्राई फ्रूट्स के बनाना चाहें तो वैसे भी बना सकते हो। अब सारा कुछ मिक्स हो गया है। आप देख रहे हैं सारा मिश्रण जो है अभी बहुत ड्राई है। तो इसमें अब हम डालेंगे 1/2 कप मिल्क। मिल्क डालने से ये एक डो की तरह बन जाएगा, तभी इससे हम लड्डू बना पाएंगे। अब इसमें हमने मिल्क मिलाया है तो इसे हिलाते रहना है और 2 मिनट तक सिम गैस पर इसे पकाना है, जिससे कि सूजी जो है वो सॉफ्ट हो जाएगी। मिल्क की जगह वैसे आप मलाई भी डाल सकते हो, जो फ्रेश क्रीम होती है दूध के ऊपर आ जाती है वो डाल सकते हो, पर डालनी आपने इतनी ही है जितना हमने मिल्क डाला है, इससे ज़्यादा नहीं डालना है। मिल्क भी इसमें मिक्स हो गया है। इसका टेक्सचर आप देखें दानेदार बना है। इसका टेस्ट आपको मिक्स आएगा, मिल्क केक के जैसा लगेगा थोड़ा इसका टेस्ट, और थोड़ा सूजी के लड्डू के जैसा। तो इसमें आपको 2 मिठाइयों का टेस्ट आएगा, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। अब ये देखिए मिक्सचर जो है कढ़ाई को छोड़ चुका है, ये देखिए आराम से एक तरफ इकट्ठा हो रहा है। तो अब गैस को कर देंगे बंद और इसे अभी ठंडा होने देंगे, 1 घंटे के करीब लग जाएगा। इसे हमने पूरा ठंडा नहीं करना है, ल्यूकवार्म होगा तब इससे हम लड्डू बनाएंगे, यानी कोसा कोसा रहेगा तब इससे हम लड्डू बनाएंगे। अब 1 घंटा हो गया है, मैंने इसको कवर करके रख दिया था। तो ये देखें जो मिश्रण है वो ठंडा हो गया है, ल्यूकवार्म है अभी। तो इसको हाथ से इस तरह से कर लेंगे, तो ये अलग अलग हो गया है। अब इससे बनाएंगे हम लड्डू। तो जितने बड़े लड्डू आप बनाना चाहे उतने साइज के बना सकते हो। तो ये देखिए मैंने एक लड्डू बनाया है, इस साइज का बना लिया है। अगर आप लड्डू बना रहे हैं और आपसे लड्डू नहीं बन रहे हैं, मिश्रण ज़्यादा सूखा लग रहा है, तो आप इसमें 1 से 2 चम्मच के करीब दूध मिलाकर फिर लड्डू बना सकते हो। तो अब ये देखिए मैंने लड्डू बना लिए, कितने अच्छे लड्डू बने हैं, दानेदार हैं और खाने में बहुत सॉफ्ट बने हैं, बिल्कुल भी ये हार्ड नहीं बनते हैं।
तो आप इनको घर पर बनाएं और इन्जॉय करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं अगली बार एक नई रेसिपी के साथ। खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।